हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कन्हैया जी के लिए ये कितनी ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है। इसे आज मैंने कॉटन के कपड़े से बनाया है और ये ड्रेस देखने में कितनी ही हैवी लग रही है। सिर्फ मैंने यहाँ पर लेस का यूज करके इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया है, ब्यूटीफुल बना दिया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के कॉटन के कपड़े में से आज हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है, तो मैं इसमें अस्तर लगाकर इसे बनाऊंगी, जिससे ये ड्रेस है वो थोड़ी थिक बनेगी और इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का प्रिंट लिया है। आपके पास प्लेन कपड़ा हो तो आप प्लेन कपड़े से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अस्तर ना हो तो आप बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। बट मैं जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ी हैवी ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर जो लेस वेस लगाऊंगी मैं उनका यूज इस पर अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें से स्टेप कट कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ 4 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो यहाँ पर 5x40 की हम कपड़ा कट कर लेंगे, 5x40 की 2 स्टेप कट कर लेंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, एक लाइनिंग का और एक हम जो मेन फ्रंट है उसका। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 स्टेप कट कर ली हैं। तो एक मैंने मेन फ्रंट से कट कर ली है और एक मैंने असल से कट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर तो जो मेन फ्रंट है उसे हम सीधा रखेंगे और जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और इस पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, तो इसे हम सिल लेंगे। तो आप इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मशीन का यूज कर रही हूँ। जिन लोगों के पास मशीन नहीं होती है वो भी इस ड्रेस को बना सकते हैं सुई धागे का यूज करके। पहले आप नीचे इस पर सिलाई लगा लें। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरी हमारी पट्टी बन गई है। तो अब हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की लेस ली है, इससे इसमें मैच होगी। तो मैंने यहाँ पर ये रेड कलर की लेस ली है, एक मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस ली है। तो इसे मैं यहाँ पर लगाऊंगी और इस लेस को मैं यहाँ पर लगाऊंगी, जिससे इसमें लुक काफ़ी अच्छा आएगा। आप इसकी जगह आपके पास जो भी लेस हो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस ड्रेस को बिना लेस के भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजाइन है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। इसमें पीकॉक बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेस को यहाँ पर सिल लूँगी। तो इसे आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं या फिर सिलाई मशीन का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। तो इस लेस को मैं पूरी स्टेप पे अटैच कर लूँगी, फिर उसके बाद 1 इंची का गैप छोड़ते हुए इधर से फिर मैं इस लेस को यहाँ पर सिल लूँगी। तो इन दोनों लेस को मैं इस पर सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। लेस लगाने से इसका जो लुक है वो कितना ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, पूरी स्टेप पर मैंने इसी तरह से लेस लगा ली है। तो अब हम किनारों से इसे फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले हम यहाँ पर इसे इक्वल कर लेते हैं। तो ये आप गोटे पट्टी का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं लेसों से इस पर यूज कर रही हूँ। तो इसे मैंने ऊपर की साइड में ही फोल्ड किया है। अब हम इसके ऊपर इस जो हमने साइड से ऊपर की साइड में जो लेस लगाई है उसे हम यहाँ पर सिल लेंगे इस तरह से। इससे जो ड्रेस की फिनिशिंग है वो एकदम सुपर आती है। तो इस तरह से मैं इसे सिल लेती हूँ यहाँ पर। इसी तरह से मैं दूसरी किनारे पर भी इसको सिल लूँगी। तो ये देखिए, दोनों साइड में मैंने लेस लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड में भी लगा ली है। तो ये हमारा चारों तरफ से फिनिश हो गया है। तो अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हम दोनों साइड से पकड़ेंगे, ऊपर से और नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे
और इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं, इसे सुई धागे से बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्लेट्स लगाते जाएं और इसमें सिलते जाएं। तो दोनों साइड से पकड़ना है, ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ना है और आधा आधा इंची की हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो अपने आप ये घेरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। जो प्लेट्स हैं हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है, जब ये 40 से 2 इंची का रह पाएगा। जब हम इसकी जब कमर बनाएंगे तो कमर के लिए ये कपड़ा बन पाएगा। ये देखिए इस तरह से रखनी है। ये देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक, और थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाएंगे। उसी तरह से हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं इन प्लेट्स को लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ही हमारा घेरा आएगा। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। और इस पर हम प्रेस लगा लेंगे, तो जो प्लेट्स ऊपर की साइड में उठ रही हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम ऊपर का पोर्शन बना लेते हैं इसकी चोली। तो चोली बनाने के लिए फिर से हम इसी कपड़े को लेंगे। अब हम इसमें से स्ट्रैप कट करेंगे। तो यहाँ पर हम पाँच इंच लंबी स्ट्रैप कट करेंगे। दो स्ट्रैप हम एक साथ कट कर लेंगे। तो पाँच इंच हम इनको लंबा रखेंगे और पाँच इंच चौड़ा रख लेंगे, जिससे हम इसमें से ढाई ढाई इंच की स्ट्रैप कट कर लेंगे। तो अब हम इनको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें से दो स्ट्रैप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5x5 की मैंने यहाँ पर 5x2.5 की मैंने यहाँ पर दो स्ट्रैप कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम लाइनिंग में से कट कर लेंगे। अभी आपको ये स्ट्रैप चौड़ी दिख रही होंगी, बट हम इन पर सिलाई लगाएंगे तो ये थोड़ी पतली हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रैप लाइनिंग में से भी कट कर लिए हैं। तो अब हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे। अब हम लेस लेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड में, और इस पर हम लेस लगा लेंगे, जिससे इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी सी आएगी। तो इस तरह से, इसी तरह से हम इसे नीचे की साइड में भी फोल्ड कर सकते हैं और ऊपर की साइड में, दोनों साइड में हम इनको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इस पर लेस लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों कपड़ों पर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगाकर इस पर सिलाई कर ली है। और ये देखिए दोनों साइड से इसमें कितनी ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। तो अब हम यहाँ पर हाफ तक इसे सिलेंगे। तो इस तरह से रखकर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे पहले, इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ तक हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई करनी है इस तरह से हाफ तक। जो लेस है उसे हम एक दूसरे के ऊपर रखकर और हाफ तक हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसे सिलना है, तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पर हाफ तक इस पर सिलाई लगाई है, ये देखिए यहाँ तक। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। अब हम इसके हाफ तक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे पर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हाफ तक सिलाई लगानी है, जिससे इसकी चोली बन जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। तो इसको मैं सिल लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, तो यहाँ तक हाफ तक मैंने इस पर सिलाई लगाई है। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी हाफ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे तो यहाँ तक हाफ तक मुझे इस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम इस साइड में भी लगानी है। तो सीधे रखते हुए हमें यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगानी है। सिर्फ किनारे किनारे पर ही हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से मुझे इस साइड में भी लगानी है। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है दोनों साइड से। और यहाँ से हम अपने कन्हैया जी को इस ड्रेस को पहना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पर दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हम अपने कन्हैया जी को इस ड्रेस को पहना सकते हैं। अब हम नीचे का घेरा लेंगे, जो मैंने घेरा बनाया है। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है इसे हम कट कर लेंगे, जो आगे की साइड में ज़्यादा निकला हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस पर प्लेट्स किस तरह से लगाए हैं, एक के ऊपर एक को रखते हुए इस तरह से प्लेट्स लगाई हैं। तो अब हम अपनी चोली को इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसे चोली को सिल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सिलना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से रखना है एक किनारे को और एक किनारे को हमें यहाँ से इसे सिलते हुए गोलाई में इस तरह से और यहाँ तक लेकर आना है। अगर हमारी चोली छोटी होगी तो हमें जो घेरा बड़ा होगा उसको एडजस्ट करना है थोड़ा सा इस तरह से, इसे फोल्ड करते हुए। अगर हमारी चोली बड़ी होगी और घेरा छोटा होगा तो हम चोली में थोड़ी सी प्लेट्स लगा सकते हैं ना के बराबर, जिससे इसमें जो एडजस्ट हो जाए उसी तरीके से। अब मैं यहाँ पर पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब आपको इसका घेरा दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा होल है। इसी तरह से अब हम इसे ऐसे रखेंगे और इसे हमें यहाँ से किनारे पर रखते हुए चोली को हम सीधा रखेंगे, यानी कि घेरे को हम सीधा रखेंगे और चोली को हमें उल्टा सिलना है इस पर। इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं। तो ये देखिए चोली को मैंने इसमें अटैच कर लिया है, सिल लिया है। तो ये देखिए हमारी कितनी ही प्यारी सी ये ड्रेस बनकर तैयार है। और ना तो मुझे चोली को एडजस्ट करना पड़ा है और ना ही मुझे इन प्लेटों को, यानी कि जो घेरा है ना उसको एडजस्ट करना पड़ा है ना चोली को। और यहाँ से ओपन है आगे से, इसे हम यहाँ से पहना सकते हैं, यहाँ से इसे उतार सकते हैं, यहीं से हम इस चोली को पहना सकते हैं ड्रेस को। और ये देखिए जन्माष्टमी के लिए तो ये ड्रेस एकदम से परफेक्ट है और काफ़ी हैवी लग रही है, बट हैवी है नहीं क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा लेस का यूज नहीं किया है। तब भी ये ड्रेस है वो कितनी ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल मार्केट के जैसी लग रही है। आप अगर इस ड्रेस को ख़रीदने जाएंगे तो 300 से 400 रुपए में आपको ये ड्रेस मिलेगी। और ये ड्रेस देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। और इस लॉकडाउन में तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इस तरह से मटेरियल लाकर आप अपने घर पर ही इस ड्रेस को बना लें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।